आज हम आपको ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां का गुलाब और गुलाबी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पियर किल्स जो दुनिया में अपने सर्वाइवल स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हाल ही में पीएम मोदी के साथ डिस्कवरी नेटवर्क पर देखा गया था। उन्हें बुल्गारिया के रीजनल नेशनल पार्क में रनिंग वाइल्ड सीरीज के शूटिंग के दौरान एक मेंढक को उबालकर खाने के लिए 2,832 यूएस डॉलर का जुर्माना देना पड़ा था। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुल्गारिया के लोग अपने देश के एक छोटे से जीव के लिए कितना प्रेम रखते हैं। बुल्गारिया यूरोप का सबसे पुराना शहर होने के साथ साथ यूरोप का मात्र एक ऐसा देश भी है, जो अस्तित्व में आने के बाद अपना नाम आज तक नहीं बदला, जो कि 681 ईस्वी में हुआ था। दुनिया में सबसे पुराना सोने का खजाना भी बुल्गारिया में ही पाया गया था। इस देश का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार जॉन विंसेंट एंटोनसोफ ने 1939 और 42 के बीच किया था, जो बुल्गारिया के जाने माने भौतिक वैज्ञानिक थे। बुल्गारियाई दही, जो कि अपने जाने माने स्वाद के लिए जानी जाती है, जो अपने लैक्टोबैसिलिसस और बुल्गारियासिस जीवाणु के प्रभाव से बनता है, जो इस कर्ड को और भी ड्यूरेबल बना देती है। और एक खास बात, यह जीवाणु यहाँ के वातावरण के अलावा और कहीं भी नहीं पाया जाता। इस देश में कई अन्य देशों के मुकाबले ताजी हवा बहती रहती है, क्योंकि यह देश एक तिहाई से भी ज़्यादा जंगलों से ढका हुआ है। बुल्गारिया अपने रोज वैली के गुलाब के लिए पूरे देश में फेमस है। यह पूरे विश्व में 80% से ज़्यादा रोज वाटर और रोज ऑयल निर्यात करने की क्षमता रखता है, जो कि सबसे महंगे परफ्यूम और इत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। बुल्गारिया ने 1912 और 13 में एयर ड्रॉप बम, जो कि पूरी दुनिया अब इस्तेमाल करती है, उसे सबसे पहले बुल्गारिया की आर्मी ने बाल्कन युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। बुल्गारिया के पास लकड़ी का एक ऐसा क्रॉस है जिसमें बाइबल के 140 से ज़्यादा सूक्ष्म दृश्य के साथ साथ 1,500 से भी ज़्यादा आंकड़े शामिल हैं। और साथ ही यूनेस्को ने 1976 में बुल्गारिया के सबसे पुराने कैलेंडर को दुनिया के सबसे सही और सबसे सटीक कैलेंडर माना था। यहाँ की सबसे बड़ी नदी द डैन्यूब नदी है, जो 2,888 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय करती है, और बड़ी संख्या में लोग इस नदी पर निर्भर करते हैं। अगर आपकी किस्मत कभी आपको बुल्गारिया ले जाए, तो यहाँ के सनी बीच और सोजोपोल और गोल्डन सैंड तो जाना बिल्कुल भी ना भेजें। अगर आप बुल्गारिया में अपनी रातों को रंगीन और रंगीली बनाना चाहते हैं, तो सोफिया जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल माना जाता है। तो ये थे बुल्गारिया के बारे में कुछ रोचक जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके पास रोज़ पहुँचे, तो अभी हमारे चैनल पुल्लू फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट